लोकसभा में अंतिम भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रियल स्टेट सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने पहले तो सरकार की उपलब्धियां गिनाई और फिर अमेठी के विकास को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे हर फैसले को शुरू में मुसीबत झेलनी पड़ी, लेकिन मेरा वही फैसला आमजन के हित में साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना तो कांग्रेस ने मुझ पर हमला बोला, मुझे जीरो बताया, मेरी काबिलियत पर सवाल खड़े किए, लेकिन मेरी विदेश नीति से आज देश को लाभ मिल रहा है। जिसको चुनाव के पहले यही सवाल पूछा जाता था, आप अगर याद शक्ति ठीक हो तो देख लीजिए 2013-14 के अखबार टीवी डिबेट देख लीजिए, एक ही चर्चा थी, ये क्या करेगा आदमी, हिंदुस्तान में इसको कौन जानता है, गुजरात के बाहर उसकी क्या पहचान है, और विदेश नीति में तो जीरो है, जीरो। कुछ लोग तो ऐसे कहते थे वो चम्मच कांटा कैसे पकड़ना है ये भी इसको नहीं आता है, क्या करेगा। और तब मैंने कहा था ये बात सही है कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में एक मंत्र है, जो भी करूंगा देश के लिए करूंगा। सामाजिक स्वीकृति कोई भी व्यक्ति जीवन में इतनी मेहनत करके बचाता है तो पहले सोचता है बच्चों को पढ़ाई, बाद में सोचता है बच्चों की शादी हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ सोचता है अपना एक घर हो जाए, यानी अपनी पूरी जिंदगी आपके चरणों में डाल देता है। और उसमें जब धोखा होता है, धोखा एक करता है, मुसीबत 100 को झेलनी पड़ती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। आम चुनाव से पहले जहां सियासी दल चुनावी महामंथन में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी के शाह ने प्रयागराज में सियासी डुबकी लगाई। अमित शाह अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ कुंभ नगरी पहुंचे, जहां शाही स्नान के बाद उन्होंने साधु संतों के साथ सार्वजनिक भोज में हिस्सा लिया। कुंभ नगरी में अमित शाह ने लगाई सियासी डुबकी, पूरे लाभ लश्कर के साथ संगम में किया शाही स्नान। सियासी लहरों के बीच शाह ने मां गंगा की उतारी आरती। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में एक के बाद एक राजनेताओं का कुंभ में डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रयागराज दौरे के बाद बीजेपी चाणक्य अमित शाह प्रयागराज के दौरे पर हैं। अमित शाह कुंभ पहुंचे, जहां संगम में उन्होंने शाही स्नान किया और उसके बाद पूरे मंत्रोच्चार कर मां गंगा की आरती उतार कर मां गंगा से जन कल्याण की कामना की। इस दौरान अमित शाह के साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे समेत तमाम साधु संत भी मौजूद रहे। जिस प्रकार का व्यवस्थापन मैंने यहाँ पर कुंभ में देखा है, ये अद्वितीय अद्भुत है। मैं बचपन से कुंभ मेले में जाता रहा, करीब करीब मेरी 11 साल की आयु के बाद हर कुंभ में मैंने स्नान किया है, एकाध छोड़कर। एक अद्भुत व्यवस्था यहाँ पर मैंने देखी। साधु संतों के साथ सार्वजनिक भोज में शामिल हुए अमित शाह। महंत नरेंद्र गिरी महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के साथ किया सार्वजनिक भोजन। संगम में सियासी डुबकी लगाने के बाद बीजेपी चाणक्य अमित शाह जूना अखाड़ा के शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी अवधेशानंद से मुलाकात की। इसके बाद अमित शाह ने साधु संतों के साथ सार्वजनिक भोजन किया। सार्वजनिक भोज में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशनाथ गिरी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और बाबा रामदेव समेत तमाम साधु संत मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज का ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से उनका कुंभ का आयोजन था, कुंभ की यात्रा थी, और कुंभ के इस आयोजन में पूज्य संतों के साथ संगम पर स्नान करना, संतों के साथ विचार विमर्श करके विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करना और साथ ही साथ उनके साथ सहभोज प्रसाद ग्रहण करना, 450 वर्षों से किले में कैद अक्षय वट के दर्शन
और सरस्वती कुप के दर्शन के साथ ही यहाँ पर आज उनका कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। आम चुनाव से पहले संतों की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। गौरतलब है कि शाह का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब साधु संतों समेत तमाम हिंदू दल सरकार से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुंभ आस्था के साथ साथ सियासत का भी अखाड़ा बन गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां कुंभ में स्नान किया, तो अब राहुल और प्रियंका के भी कुंभ में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि कुंभ में सियासी डुबकी लगाकर सभी दल बहुसंख्यक वोटों को अपनी ओर करने की जुगलबंदी में जुटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का प्रयागराज दौरा था आज, और लगातार जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में उनके इस सियासी दौरे को लेकर के बातचीत चल रही थी, ये भी अहम था क्योंकि लगातार जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के धर्मसंसद का बहिष्कार किया था अखाड़ा परिषद के संतों ने, उसके बाद ये निर्णय लिया अमित शाह ने आनंद फानंद में कि संतों से मुलाकात करेंगे, और यही हुआ। दौरे की शुरुआत उन्होंने संगम में स्नान करने के बाद की, और इसके बाद हनुमान के दर्शन किए और भगवान हनुमान के, इसके बाद अक्षय वट गए और सीधे इसके बाद वो जूना अखाड़ा गए जहाँ पे उन्होंने अवधेशानंद महाराज से मुलाकात करते हुए भोजन किया, और इसके बाद तमाम संतों से मुलाकात की है। और सबसे खास बात ये है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं या सूबे के, वो भी उनके साथ लगातार रहे हैं, और ऐसे में ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो विपक्षी हैं वो लगातार हमलावर हैं राम मंदिर मुद्दे को लेकर के। और जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में रोड शो किया था लखनऊ में, उसके बाद अमित शाह की तरफ से ये एक राजनीतिक दाव माना जा रहा है, और देखने में ये काफी अहम होगा कि अब ये जो राजनीतिक दाव है ये आध्यात्मिक कितना सफल हो पाता है और इसके राजनीतिक महत्व कितने दूरगामी हो पाते हैं। अनुज हनुमत, हिंदी खबर, प्रयागराज। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।